गाइस आप लोगों ने आर्या की देख ली मस्ती। सुबह सुबह आर्या को मैं गार्डन लेके जाती हूँ और वो गार्डन में खेलता है, इस तरह से मस्ती करता है। और अभी मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ मेथी आलू मटर की जो सब्जी है रेसिपी वो। तो गाइस मैंने प्याज लहसुन हरा मटर मिर्ची मैंने पहले लहसुन को फ्राई कर लिया, उसके बाद हरी मिर्ची प्याज और मटर को मैंने डाल लिया, उसे हल्का भून रही हूँ। उसके बाद मैंने देखो आलू काट के रखे हैं, देखो इतने छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, एकदम छोटे पीसेस, एकदम छोटे भी नहीं, मेरे मीडियम साइज़ के मतलब पीसेस किए हैं। और इसे पानी में मैंने दबा के भिगा के रखा था, अब इसे मैं डाल रही हूँ आलू को। तो मैं आलू मेथी मटर की जो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और जो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, साथ ही बेल का आइकॉन ऐसे ज़रूर प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। तो गाइस मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं सब्ज़ियाँ, ज़्यादा मसालेदार एकदम ज़्यादा भी नहीं करती हूँ डेली में। कभी कभी मन करे तो ज़्यादा उसमें मसाले डाल के बनाती हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल ही हल्के से ही कम मसाले की बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है, लो फ्लेम में कर दिया ताकि आलू थोड़ा पक जाए। फिर आलू पक जाता है तो उसके बाद मैं मेथी को देखो मैंने काट के रखा हुआ था और इसे पानी में भिगो के रखी थी पहले मैं आधा घंटा, उसके बाद इसे छन्नी में छान के मैंने निकाल के रखा था, उसके बाद ही मैंने भाजी को डाला है। क्या है ना गाइस, मैं सुबह अगर सब्जी भाजी बनाना है तो मैं रात में काट के रख लेती हूँ फ्रिज पर, क्योंकि सुबह ही जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है साफ़, भाजी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए फिर मैं उसे पानी में भिगा के रख देती हूँ बाल्टी पे डाल के। फिर इसके बाद उसे मैं धो के निकाल लेती हूँ छन्नी में। तो मैंने इसे हल्दी डाल दिया है और फिर उसे मैं मिला लूँगी। और मैं ज़्यादा उसके मतलब मेथी भाजी के छोटे छोटे पत्तियाँ वो जो है ना उसे ही बारीक बारीक काट के मैंने डाला हुआ है। और गाइस अगर आपको रात को ही आप डिसाइड कर लेते हैं सुबह आपको क्या बनाना है तो बहुत ही इजी हो जाता है, नहीं तो फिर सोचते रहो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, फिर काटने में टाइम के ऑफिस वाले हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर पहले से आप डिसाइड करो तो ज़्यादा ही बेटर रहता है। और मैंने टमाटर भी काट के डाल दिया है क्योंकि टमाटर में थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, तो मेथी भाजी में थोड़ा टमाटर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा अगर आलू के साथ आप बना रहे हैं तो। तो मैंने डाल दिया है और मटर को भी तो पकने के लिए रख दिया था, तो अभी से ये पूरा लटपट जैसे हो गया है तो मैं चम्मच चला रही हूँ, फिर से 5 मिनट के ढक्कन लगा दूँगी, फिर उसे ओपन करके ही रखूँगी पानी सूखने तक, क्योंकि अगर आप भाजी बनाते तो पानी अच्छे से सूखना चाहिए तभी वो टेस्ट आता है। गाइस मेरा जो सुबह का टाइम होता है ना ऐसे ही निकल जाता है, आर्या को थोड़ा टाइम देना पड़ता है तो उसे थोड़ा गार्डन लेके जाते हो कि दिन भर घर पे ही रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा घंटे के लिए गार्डन चले जाओ फिर आके सब्जी बनाओ। फिर मैंने थोड़ा सा मिर्ची भी फ्राई करी हूँ, तो जो मोटी मिर्ची आती है ना उसे मैंने लंबे लंबे काट के धो के मतलब लंबे लंबे काट के रखे थे, फिर उसे थोड़ा सा पानी में आपको नमक डाल के थोड़ा सा उसको पकाना होता है, उसके जब पानी सूख जाता है तो उसके बाद आपको ऑयल डाल देना है और फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है, और फिर लास्ट में जब आप बंद कर देंगे गैस को तो नींबू को निचोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको नींबू को निचोड़ देना है और फिर इसके बाद आप खाएँगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ये भी बना लिया था साथ में क्योंकि ठंडी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में ये मिर्ची तल के खाओ तो अच्छा लगता है, गर्मी में भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है पर क्या गर्मी में क्या गर्मी रहती ना इससे थोड़ा सा इतना वो नहीं रहता, ठंडी में ज़्यादा अच्छा लगता है सब मिर्ची तल के खाने में। तो अभी देखिए आर्या का जो है आ रहा है अपने घर की ओर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, धीरे।